क्या हुआ रोहित भाई? अरे काम कर रहा हूँ रे, छोड़ दो। अच्छा कर दिया ना काम, और कितना काम करता है? हे गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब, होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज हम लोग जैसे कि कल के व्लॉग में आपने देखा, हम लोग जाके आए थे दुर्गम चरू सुबह सुबह राइड पे, मैं और अनुराग गए थे। तो ठीक है, अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो फटाफट जाके देखो। तो ठीक है, अभी बस व्लॉग स्टार्ट, वो व्लॉग एंड कराए, अभी स्टार्ट ये व्लॉग स्टार्ट कराए। ये देखो जो इन्हें अनुराग, तो आपको बताओ तो कल के व्लॉग जिसने देखा होगा उसको तो पता ही होगा, पूरी रात से नहीं सोया आप ने। विवेक को सुबह उठा रहे थे हम लोग, चल उठा ही नहीं, बोला ना ना जाओ जाओ तुम लोग एंजॉय करके आओ। तो गाइस आज स्पेशल है ढोकला, जो कि केक के जैसा बने से अभी तो, पर ढोकला बनेगा थोड़ी देर। हैप्पी बर्थडे मम्मी, हैप्पी बर्थडे मम्मी। तो गाइस इतने मैं तो चटनी के छोक मारता हूँ, ये रहा ढोकला, चटनी को छोक मैं मारता हूँ। गाइस ये रही चटनी रेडी कर दिया, और ये रहे ढोकले। मतलब ऐसा है, मैं जल्दी उठ गया ना तो सबला लेट दिख रहे मेरे को। गाइस ढोकला खाते हैं, आप भी खा लो, ले हमारे कम से कम नियरली बहुत दिनों के बाद ढोकला बना। तो ठीक है, कैसा है? मस्त, मेरे को टेस्ट से तो अच्छा दिख रहा देख के। तो कैसा है, फर्स्ट टाइम खा रहा ना ढोकला? तो इन्हें हर चीज़ फर्स्ट टाइम खाता है, इन्हें आए जब से हैदराबाद में हर चीज़ फर्स्ट टाइम कर रहा। गाइस अभी हो रही शाम, में थोड़ी देर दोपहर में सो गया था, सोया इतने में कांड कर दिया मेरा भाई रोहित भाई हमारे। क्या करा मालूम, ये चीज़ क्या है कोई बता सकता है? नहीं ना, मैं सोच रही है नई चीज़ क्या है गुदुल रही वॉशिंग मशीन में, क्या क्या था मालूम? मेरा पर्स था ये, जो राम नाम सच्चे हो गया जिसका, देखो उसके अंदर का है, देखो पूरा सामान। अरे पैसे बच गए क्या? कितने अच्छा बचे, देखो एक नोट मिला वो भी ऐसा। इसे ऐसा बना, मैं सो गया मेरी लोयर में, जो मैं ट्रैक पहन के गया था सुबह, उसमें मैं पर्स नॉर्मली मैं जो पहनता हूँ मैं उसमें पर्स छोड़ देता हूँ। रोहित क्या करा, देखा नहीं मेरा भाई, और सीधा लेके जाके वॉशिंग मशीन में कर दिया काम। बस मैं तो अब देख लो अब क्या है, ये देखो पर्स तो ख़त्म, ये एंगल से पर्स ही नहीं दिख रहा, ऐसा दिख रहा कोई कुत्ते के बीच में पर्स दे दिए। इसकी ये पट्टी थी, ये भी गई, ये पूरा पर्स का सामान है। इसमें मेरी पासपोर्ट साइज फ़ोटो थी पूरी, भगवान जाने गई कहाँ। ये विजिट कार्ड्स वगैरह थे, ये आरसी थी, देखो ये गई, ये आधार कार्ड था, ये तो बच गया, ये नोट एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या गए। रोहित का ओरिजिनल लाइसेंस मेरे पास था, वो तो किस्मत, ये तो बच गया। और आरसी थी, एक बाइक की आरसी थी, ये रही आरसी ख़त्म, और एक एक्टिवा की आरसी थी वो भी ख़त्म। ये एक मेरी बचपन की मुश्किलों की एक फ़ोटो थी, बचपन कम अब तो दिख रू भी नहीं इसमें, तो ख़त्म। मतलब आपकी बात विक्टिम से कराते हैं। अरे अपना को क्या हुआ रोहित भाई? अरे काम कर रहा हूँ रे, छोड़ दो। अच्छा कर दिया ना काम, और कितना काम करता इतना बड़ा काम तो कर दिया बाप, और कितना बड़ा काम करता बोल बाप। अरे क्या बोलूं रे, हो गया मैं क्या उसके अंदर एक्सप्लेनेशन तो क्या लोगों को। हाँ देना, अरे जा रहे ये गुस्सा, पर्स मेरा क्या गुस्सा इसको आ रहा है भाई, देखो तो छोड़ा बड़ा भाई, ये क्या कर सकते, गलती कर दिया। तो चलो गाइस इसको तो फेंकते डस्टबिन में। ये देखो ये वाइट वाइट दिख रहे पूरे, ये पर्स के अंदर के पेपर्स पूरे छन्नी छन्नी हुए पूरे झड़का। गाइस मैं और विवेक कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, एक मैच तो हार गया इन्हें, अब दूसरा भी हारने वाला है, एक मैच तो सीधा जीरो पे। तो ठीक है दूसरा मैच शुरू हो चुका है। क्या हुआ लाला,
हार गया क्या? कुछ नहीं, मोहित हार गया, गोलू जीत गया, ये मैं बोल रहा हूँ। वो तो अब आप लोग कॉइन्स देखते गए होंगे, धन 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 धन, मतलब हर शॉट में दो तीन कॉइन्स आ रहे थे मेरे। हमेशा की तरह गाइस, इन्हें हारते हुए पेट लूं, मैं जीतते हुए। आप हारते नहीं थे, मैं पहले चैलेंज में, पहले हम लोग, मैं मेरे बचपन में मेरे भाई बहन आमला खेलते थे, वो टाइम पे हारते था, पर अभी नहीं। वो बचपन में बहुत सी खेल खेल के ऐसा मेरे को हमेशा आदत थी पर्स से जेब में डाल के जाने की, मैं अभी ये उठा के जा रहा था, मैं जेब में डाल के जाने लगा, मतलब अभी याद आया। अरे सलमान खान की मूवी में कौन सा डायलॉग, कौन सी मूवी में है वो, छेदी सिंह इतने छेद करेंगे, इसको देख के वो याद आ रहा है उसका डायलॉग क्या था, छेदी सिंह इतने छेद करेंगे कि पादों के कहाँ से, और क्या कह रहा था, जिसको आता वो कमेंट करके बता दो रे भाई, इतना याद नहीं है। एक बार बाहर जा रहे हम लोग, हमारा जो हमारे अंकल जो थे ना, अब वो एक्चुअली वो जो अंकल है ना हमारे ओनर अंकल है, और ये घर भी हमारा जिसको पता नहीं है रेंट का घर है, तो ठीक है। हमारे ओनर अंकल थे जो थे, उनको कुछ काम नहीं थे, मतलब एजड पर्सन है ना, तो उनको ऐसा बार बार जाना नहीं होता, छोटे मोटे काम है जैसा लाइक कुछ लाना, छोटे मोटे जो भी काम रहते लाइक, तो हम ना हेल्प कर देते तो ऐसा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। बहुत दिनों के बाद दिख रहे। क्या बात। ये अंकल वही वो पुराने ब्लॉगों में आते थे अंकल, फिर उजाला कर दिए। गाइस मैं घर पे आ गया था, अंकल को सामान जो अंकल मंगाए उनको दे दिया, अब मैं पापा को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। क्यों लेके जा रहा हूँ आके बताता हूँ। गाइस पापा को हॉस्पिटल में तो दिखा लिए, चलो चलते हैं घर, जाके बताता हूँ आपको क्या हुआ। गाइस मैं पापा को छोड़ते एक बार थोड़ा काम था मेरे को भरत के पास, जो मेरा दोस्त है स्कूल का, उसके पास आया था मैं, आने वाले हैं 1 2 3 अनबॉक्सिंग। इन्हें गंजा हो गया, कोई तिरुपति मंदिर है ना, वहाँ जाके आया था इन्हें, तो उस गंजा हो गया, तो ठीक है। अपने तो मस्त बाल बड़े बड़े, फर्स्ट टाइम मैं, आज तक हमारी कम से कम 10 साल की दोस्ती है, मैं फर्स्ट टाइम इसको गंजा देगा, आज 10 साल में गंजा नहीं हुआ आज तक। घर पे आ गया था मैं, पप्पा को हॉस्पिटल कहीं को लेके क्या बोलते हो, पप्पा को पिछले कुछ बहुत टाइम से खांसी हो रही कंटिन्यू, तो हम लोग बीच में एक दो बार ऐसा नॉर्मली दवाई वगैरह लिए, खांसी की ले रहे, बहुत टाइम से ऐसा चल रहा प्रोसेस, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टर भी, इससे पहले भी एक बार डॉक्टर के पास गए थे, जब डॉक्टर बोला थोड़ी दवाई वगैरह दिया, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर आज हम लोग खून टेस्ट, मतलब जो ब्लड टेस्ट है वो करा के लाए, तो शायद थ्रोट यहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह है, नॉर्मल सी इतनी कोई वो नहीं है, बट ठीक है, कहीं को बड़े है, कुछ होने से अच्छा है दिखा लेना बोल के आज मैं और पापा जाके दिखा के लाए, कल ब्लड की रिपोर्ट आएंगी, फिर क्या आएगा देखते हैं रिपोर्ट में क्या आएगा। गाइस तो ठीक है, ये रहे हमारे पेशेंट पापा। ठीक है गाइस, फटाफट खाना खा के मिलते हैं आपसे। पापा का तो आज उपवास था, और आज ही पापा का खून निकाल लिए, एक तो खून निकाले, जब देखने वाले को ज़्यादा डर लगता। कल सुबह का ऐसा सीन है, अनुराग जा रहा गाँव, तो अनुराग, वैसे जिसको पता नहीं है अनुराग राजस्थान में रहता, मेरे मौसी का लड़का है अनुराग, तो ठीक है उसको छोड़ के भी आना है। तो ठीक है गाइस, अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो, मिलते कल आपसे नए व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, बाय। चलो तो सोता हूँ, तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया, मेरी मम्मी लाइट बंद कर।